360 में बहुत बहुत स्वागत है और ये है मेरे दोस्त तेजस। हाय फ्रेंड्स, इंडिया फर्स्ट 4 गियर इलेक्ट्रिक बाइक वाले वीडियो को ढेर सारा प्यार देने के लिए और बहुत सारा अप्रिशिएट करने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप में से किसी ने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगा, वहाँ पे जाके आप वो वीडियो देख सकते हैं। आज का वीडियो उन व्यूअर्स के लिए डेडिकेटेड है जिन लोगों ने हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताया था और बहुत सारे सुझाव दिए थे, और उन सुझावों को ध्यान में रखते हुए हम लेके आए हैं इंडिया फर्स्ट 4 गियर इलेक्ट्रिक बाइक का अपडेट 1। तो चलिए देखते हैं वो कौन कौन से है अपडेट्स। तो मीटर जो ओरिजिनल था बॉक्सर का वो ऐसा था, और इसका जो इग्निशन की था उसका स्लॉट भी मीटर के साथ था, तो वो हमने चेंज करके यामा एसजी का मीटर यहाँ पे लगा दिया है। और उस मीटर को भी हमने खोल के एक मैं आपको डिस्प्ले बताता हूँ। ये डिजिटल डिस्प्ले जो है, ये ऐसा डिस्प्ले हमने यहाँ पे स्लॉट करके फिक्स कर दिया है। ये डिस्प्ले इसलिए फिक्स किया है ताकि हमें जो इलेक्ट्रिक व्हीकल होने के जो सारे डायग्नोस्टिक है वो इसमें हमें पता चलते हैं। जैसे कि ये हमें 53.28 वोल्ट बैटरी वोल्टेज दिखा रहा है, अभी बाइक बंद है तो उसका करंट 0 एम्पियर है, और उसका इंस्टेंटेनियस और रियल टाइम पावर जो बोलते हैं वो भी अभी 0 है, और अभी तक इसने 1862 वोट आवर कंज्यूम किया है। ये मीटर फिट करने के बाद की बात है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ थ्रोटल दे के कि देखिए वो रियल टाइम कैसे करंट और पावर दिखाता है। जैसे देखिए ये 1.31 एम्पियर दिखा रहा है, और ये अभी उसका जो कंजम्पशन है वो 68-67 वाट्स है। तो जैसे ही आप थ्रोटल बढ़ाते जाएंगे वैसे उसका पावर बढ़ता जाएगा, और ये एनर्जी मीटर जो है उसका वो हमेशा उसके अंदर वो पावर ऐड होता जाएगा, ताकि आपको वो भी पता चले कि अब तक बाइक ने कितना एनर्जी कंज्यूम किया है। और बैटरी का वोल्टेज भी यहाँ से हम मॉनिटर कर सकते हैं। तो ये था एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बदलाव जो कि हमने इस बाइक में किया है। ये जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि जो इग्निशन लॉक था वो मीटर के अंदर था, तो उसके लिए हमने किया कि इस मीटर के अंदर वो इग्निशन लॉक का स्लॉट था नहीं, तो हमने एक पीवीसी का पाइप लिया, उसका एंड कैप हमने इसके ऊपर पाइप के ऊपर लगा के अंदर से होल करके ये इग्निशन लॉक को हमने उसके ऊपर फिट कर दिया। तो आप देख सकते हैं कि ये बहुत ही अच्छे से फिट हो गया है। अच्छा, वीडियो में एक और अपडेट ये है कि हमने यहाँ पे जो चार्जिंग सॉकेट है वो यहाँ पे ऐसे लगा दिया है साइड के कवर में, ऐसे साइड का कवर होता है बाइक में, यहाँ पे लगा दिया है, क्योंकि बहुत सारे हमारे व्यूअर्स का ये मतलब कंप्लेन था कि भाई चार्जिंग सॉकेट है वो कहाँ पे है। तो हमने ये पहले सीट के नीचे रखा था और इसको ईजीली यहाँ पर एक्सेसिबल प्लेस पर रख दिया है, और अभी मैं आपको चार्जिंग करते हुए भी बताऊँगा कि देखिए कैसे बैटरी का वोल्टेज जो है वो इंक्रीज हो रहा है। तो ये था चार्जिंग सॉकेट का अपडेट। तो हाँ दोस्तों, हमने जो ये मेजर इसमें मॉडिफिकेशन किया है जो कि अपडेट है वो है ये कि पहले जैसे आपने फर्स्ट वीडियो में देखा होगा कि यहाँ पे चेन और स्पोर्केट ड्राइव था। हमारे इस बाइक में 2 ट्रांसमिशन यूज़ होते हैं। फर्स्ट वन इसकी ये मोटर और गेयरबॉक्स के बीच में, वो प्राइमरी ट्रांसमिशन है, और दूसरा गेयरबॉक्स और पिछले व्हील के बीच में है वो सेकेंडरी ट्रांसमिशन है। तो हमने ये जो प्राइमरी ट्रांसमिशन है मोटर और गेयरबॉक्स के बीच में वो हमने चेन स्पोर्केट ड्राइव से हटा के इसको बेल्ट ड्राइव कर दिया है। इसके लिए हमने यहाँ पे ये 2 एल्यूमिनियम के पुली लिए है, और वो भी टूथ्ड बेल्ट है, तो ये टाइमिंग बेल्ट उन पुली के ऊपर से होता हुआ हमारे गेयरबॉक्स को ड्राइव करता है। इसके क्या क्या एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस है वो मैं अभी आपको 1 मिनट में बताता हूँ। पहले मैं आपको इसकी आवाज़ सुनाता हूँ और वो चेन स्पोर्केट वाले ड्राइव के साथ हम कंपेयर करेंगे। तो मैं इसकी आवाज़ आपको सुनाता हूँ कि ये कैसा साउंड करता है। अभी मैं आपको चेन स्पोर्केट ड्राइव की आवाज़ सुनाऊंगा।
हमारे बहुत सारे व्यूअर्स ने हमें बताया था कि ये कवर, अगर आपने वो लास्ट वीडियो देखी होगी तो इसमें ये कवर का इतना पोर्शन हमने जो ओपन रखा था वो पहले चेन स्पोर्केट ड्राइव होने की वजह से मेंटेनेंस के लिए ये कवर ओपन रखा था, लेकिन बहुत सारे व्यूअर्स ने कमेंट करके ये बताया था कि मूविंग बाइक में अगर आपकी पेंट उसमें फंस सकती है तो देर कुड बी एन एक्सीडेंट। तो उस वजह से व्यूअर्स का जो सही ओपिनियन था उसको ध्यान में रखते हुए हमने इस कवर को पूरा कम्प्लीटली बंद कर दिया है, और अभी ना तो इसके अंदर चेन ड्राइव है इसलिए हमें उसको मेंटेन भी नहीं करना पड़ेगा। तो इसलिए हमने ये कवर पूरा व्यूअर्स के ओपिनियन पे और उनके सुझावों पे हमने पूरा कवर कर दिया है। तो हाँ दोस्तों, जैसे मैंने वीडियो में पहले बताया था कि हमने ये बेल्ट ड्राइव क्यों यूज़ किया और चेन ड्राइव के मुकाबले बेल्ट ड्राइव के कौन कौन से एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस है, तो सबसे पहले प्राइमरी एडवांटेज ये है कि चेन ड्राइव के मुकाबले बेल्ट ड्राइव बहुत ही स्मूथ चलता है और उसको ना के बराबर मेंटेनेंस की ज़रूरत पड़ती है। बाकी डिटेल में अगर आपको एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस चेन ड्राइव और बेल्ट ड्राइव के जानने हैं तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका डिटेल्स दे दूंगा, वहाँ पे जाके आप पढ़ सकते हैं। आज की हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी वो आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन ज़रूर से दबा देना ताकि हमारी नया नया वाली वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिल जाए। मैं मिलता हूँ आपको हमारे नए वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।